आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम्पल 1.5 के हवाले से। जिस तरह हमने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट्स किए, वहाँ पर हमने एक तरह से एक तो साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया है और साथ साथ हमने यूनिट कन्वर्जन मीन, बाज़ दफ़ा हमें बिगर यूनिट्स में दिया गया था, मीन एक तरह से हम प्रीफिक्स में लिखते थे, बाज़ दफ़ा हमें प्रीफिक्स में दिया गया था और एक तरह से मल्टीपल फॉर्म में लिखते, मीन 10 फॉर्म में लिखते थे। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल 1.5 ज़रा डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम्पल 1.5 में हमें क्या सॉल्व करना है या वो मुझसे क्या मांग रहे हैं। सो मैं ज़रा स्टेटमेंट की तरफ देखते हुए, हमारे पास स्टेटमेंट है कि द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर थ्रू मोटरवे इज़ 489 किलोमीटर, कन्वर्ट दिस नंबर टू मेगामीटर। अब एक तरह से मुझे डिस्टेंस दिया गया है, मीन फ्रॉम पेशावर टू लाहौर, यहाँ पर फ्रॉम दैट वन टू दिस वन पॉइंट, यहाँ पर ये डिस्टेंस मुझे दिया गया है। अब वो डिस्टेंस हमारे पास है 489 किलोमीटर में, एक तरह से मुझे डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है जो कि फ्रॉम पेशावर टू लाहौर है और मोटरवे उसकी वैल्यू है 489 किलोमीटर, मतलब 489 किलोमीटर हमारे पास वो डिस्टेंस है फ्रॉम पेशावर टू लाहौर। अब एक तो ये किलोमीटर्स में गिवन है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, कन्वर्ट दिस नंबर, मीन जो नंबर मुझे दिया गया है 489 किलोमीटर्स को, कन्वर्ट दिस नंबर टू मेगामीटर, मतलब इस किलोमीटर को मैं कन्वर्ट करूँगा एक तरह से मेगामीटर में। अब यहाँ पर अब देखें प्रीफिक्स को हम डिस्कस करें कि किलो, मेगा, गेगा, टेरा, पेटा। अब वो प्रीफिक्स यहाँ पर हम डिस्कस करें, मतलब किलो की वैल्यू की जगह मैं एक तरह से इसको लिखूँगा मेगा में। अब मेगा क्या है, आगे डिस्कस करते हैं। एक तो मुझे डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है जो कि एक तरह से नोन है, जिसको हम कहते हैं नोन क्वान्टिटी या गिवन डेटा। तो यहाँ पर अब चूँकि ये डिस्टेंस है तो हमारे पास जो गिवन है वो भी मैं ज़रा इधर लिखता हूँ। हमारे पास गिवन में है कि डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करें, एस से रिप्रेजेंट करें या कोई और वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर मोस्टली मैं डी और एस को इस्तेमाल करूँगा डिस्टेंस के लिए। सो यहाँ पर डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से और वो हमारे पास है 489 किलोमीटर। अब ये एक तरह से गिवन में मुझे दिया गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर दैट इज़ 489 किलोमीटर। अब ये तो एक तो गिवन मैंने लिख लिया। अब रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में मैंने आपसे कहा भी कि इस नंबर को जो 489 किलोमीटर है, इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे मेगामीटर्स में। तो इस नंबर को मैं कन्वर्ट करूंगा मेगामीटर्स, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, डिस्टेंस डी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, ब्लैंक इसलिए चूंकि मैं यहाँ पर वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूंगा वो आ जाएगी और वो मैं लिखूंगा मेगामीटर्स में। तो ये हमारे पास एक तरह से रिक्वायर्ड है कि मेगा में इस आंसर को लिखना है। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में अगर आप देख लें, हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में वही डिस्टेंस की वैल्यू मैंने लिखी है जो कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि 489 किलोमीटर दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर। अब इस डिस्टेंस को मैं कन्वर्ट करूंगा मेगामीटर में, एक ये तो एक नंबर है क्लियर, लेकिन साथ में अगर आप देख लें यहाँ पर किलोमीटर, और किलो हमारे पास क्या है, ये एक प्रीफिक्स है, दिस इज़ द वैल्यू फॉर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीफिक्स स्पेशल पावर ऑफ टेंस होते हैं। तो यहाँ पर अब ये 489 किलोमीटर, ये मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ कि हमारे पास इस किलो की जगह मैं उसका जो मल्टीपल है 10 पावर है मैं वो लिखता हूँ। सो किलो हमारे पास बराबर है 10 पावर ऑफ 3 और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, स्मॉल कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द किलो वैल्यू फॉर द किलो। सो इस किलो की जगह मैंने 489 अपनी जगह लिखा है, लेकिन किलो की जगह मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ प्लस 3 मीटर, चूंकि एक किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं, तो यहाँ पर मैंने किलो की जगह 10 पावर ऑफ 3 लिखा है, साथ में मीटर अपनी जगह। अभी तो चूंकि मीटर में आ गया, अब इस वैल्यू को थोड़ा और भी 10 पावर में लिखते हैं ताकि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है मैं वो गेन करूँ। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर आप इस नंबर को देख लें 489, यहाँ पर पॉइंट मेंशन नहीं है और हमने डिस्कस किया है कि जब आपको एक नंबर दिया जाए और वहाँ पर पॉइंट मेंशन ना हो तो हम क्या करते हैं, उसके लास्ट पे हम पॉइंट लगा लेते हैं ताकि मैं पॉइंट को मूव करूँ टूवर्ड द लेफ्ट और राइट साइड। यहाँ पर भी मैं वही प्रोसेस करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट को इस साइड पर मूव करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर मेगा की वैल्यू गेन करूँ। मेगा वैल्यू को गेन करने के लिए वो हमारे पास 10 पावर ऑफ 6 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर 10 पावर ऑफ 3 आ गया, मुझे 10 पावर ऑफ 3 और चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस पॉइंट को मूव करता हूँ 1, 2, 3, मतलब मैं लिखूंगा एक तरह से जिस तरह यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जरा देखें वही वैल्यू मैंने दोबारा लिखी है, लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट को मूव करता हूँ, यहाँ पर पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को मूव करता हूँ 1, 2, 3 इधर लेके आता हूँ। अब इधर आने की वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर चूंकि हम टूवर्ड द लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, जब हम टूवर्ड द लेफ्ट साइड पॉइंट को मूव करते हैं तब हमारे पास जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव आती है, लेकिन जब हम टूवर्ड द राइट साइड मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू राइट साइड
तब हमारे पास जो 10 की पावर है वो माइनस में आती है, जिस तरह कल हमने दो एग्जांपल असाइनमेंट्स डिस्कस किए थे। या फिर यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर मैं टूवर्ड द लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, सो मेरे पास जो पावर ऑफ 10, एक तो 10 पावर पहले से है, ये 10 की पावर पहले से आ रहा है मीटर अपनी जगह, लेकिन जैसे मैं इस पॉइंट को मूव करता हूँ यहाँ पर एक और 10 की पावर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि 3 डिजिट्स मैंने मूव किए। देखिए 1, 2, 3, मैं लिखता हूँ 0.489 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 3 इस पॉइंट को मूवमेंट के लिए, और 10 पावर ऑफ 3 पहले से हमने लगाया हुआ है और मीटर अपनी जगह। सो अब देखिए यहाँ पर एक मैंने उसको पॉइंट में लिख लिया, मीन पॉइंट को मूव किया, तो वो हमारे पास आ गया 0.489 मीटर। अब यहाँ पर अगर मैं मैथमेटिक्स का रूल इस्तेमाल करूँ, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल कि हमारे पास जो बेस है सेम हो, तो यहाँ पर 10 पावर ऑफ 3 हमारे पास 10 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 3। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, तो जब मैं बेस सेम है तो मैं लिखता हूँ 3 प्लस 3, तो मैं पावर को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाता है 10 पावर ऑफ 6, मतलब यहाँ पर मैंने 10 पावर ऑफ 6 लिखा है मीटर अपनी जगह। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू मेरे पास आ गई, मीन 0.489 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 6 मीटर। अब यहाँ पर 10 पावर ऑफ 6, अब ये एक स्पेशल पावर ऑफ 10 है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेशल पावर ऑफ 10 हमारे पास एक 6 भी है जो कि मेगा के बराबर है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक 10 पावर ऑफ 3 जो कि हमारे पास केलो के बराबर है, एक 10 पावर ऑफ 6 जो कि हमारे पास मेगा के बराबर है, एक 10 पावर ऑफ 9 जो कि हमारे पास गेगा के बराबर है। अब इसी तरह 10 पावर ऑफ 12 है, 10 पावर ऑफ 15, फिर 18, फिर 21, यहाँ पर ये स्पेशल पावर ऑफ 10, लेकिन यहाँ पर जो रिक्वायर्ड वो हमारे पास मेगा में है, मीन 10 पावर ऑफ 6 में। तो मैं इस 10 पावर ऑफ 6 की जगह लिखता हूँ मेगा और मीटर अपनी जगह। सो अब वो रिक्वायर्ड हमने फाइंड आउट कर दिया कि राइट द वैल्यू इन मेगा मीटर, तो ये हमारे पास वो आंसर आ गया कि अगर हम इसका रिजल्ट लिख लें कि रिजल्ट हमारे पास इक्वल है, रिजल्ट दिस मस्ट बी इक्वल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास बराबर है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और 0.489 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ, यहाँ पर चूंकि मेगा में लिखना है मेगा और ये मीटर, अब ये एक तरह से यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक तरह से 489 मेगा मीटर, ये हमारे पास 489 मेगा मीटर आ गया, मेगा मीटर ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो अब हम बात करेंगे असाइनमेंट 1.5। इससे पहले हमने एग्जांपल 1.5 सॉल्व किया, जिसमें हमने डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर 489 किलोमीटर्स को हमने मेगा मीटर्स में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर वही वैल्यू है, वही न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड थोड़ा सा चेंज है, तो वो ज़रा देखते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट की तरफ देखूँ, कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर दैट इज़ 489, मतलब उसकी वैल्यू हमारे पास है 489 किलो मीटर, वो वैल्यू पहले से मुझे दी गई है, लेकिन हमने कैलकुलेट करना है उसको मिलीमीटर्स में, ये हमारा रिक्वायर्ड है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे मिलीमीटर्स में, वही गिवन है। अगर आप देख ले डिस्टेंस दैट इज़ 489 किलोमीटर, वही डिस्टेंस है फ्रॉम पेशावर टू लाहौर। अब ये फ्रॉम पेशावर टू लाहौर ये डिस्टेंस मैं अब कैलकुलेट करूँगा एक तरह से मिलीमीटर्स में, चूँकि अगर हम रिक्वायर्ड की तरफ देख लें, यहाँ पर देखिए कैलकुलेट दिस डिस्टेंस इन मिलीमीटर्स में, इस डिस्टेंस को भी 489 किलोमीटर को मैं कैलकुलेट करूंगा एक तरह से मिलीमीटर्स में। और मिली हमारे पास क्या, ये भी एक तरह से प्रेफिक्स है हमारे पास, मैं इसको प्रेफिक्स में लिखूंगा। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस हम लिखे डिस्टेंस कॉमा डी इक्वल्स टू ब्लैंक, कॉम मीन्स एक तरह से अननोन है, मैं ये कैलकुलेट करता हूँ मिलीमीटर्स में, लास्ट में जो आंसर हमारे पास आएगा वो मिलीमीटर्स में होगा। तो आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, तो वही डिस्टेंस वही वैल्यू मुझे दी गई है कि द डिस्टेंस इक्वल्स टू 489 किलोमीटर। तो यहाँ पर 489 किलोमीटर वही वैल्यू है जो कि इससे पहले एग्जांपल्स में हमने किया, सो 489 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख लें 489 अगेन किलो की जगह, मीन अगेन प्रीफिक्स का इस्तेमाल हुआ है, ये हमारे पास प्रीफिक्स है। अब ये प्रीफिक्स हमारे पास बराबर है 10 पावर ऑफ 3, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं या 10 पावर ऑफ 3 मीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर इस किलो की जगह मैंने लिखा है 10 पावर ऑफ 3 और मीटर अपनी जगह, मतलब यहाँ पर अगर आप देख 1 किलो हमारे पास बराबर है, जो कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 10 पावर ऑफ 3 के बराबर है, तो किलो की जगह मैंने 10 पावर ऑफ 3 लेकर किलो हमारे पास एक प्रीफिक्स है। सो यहाँ पर अब चूंकि हमें ये तो मीटर में आ गया, मीन 489 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 3 मीटर। अब आंसर को थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देख लीजिए ये मीटर है और हम कहते हैं कि हमारे पास एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1 मीटर हमारे पास बराबर है 100 सेंटीमीटर के, लेकिन इस 100 को
मैं इस 100 को लिखता हूँ एक तरह से 10 पावर ऑफ 2 में लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 100 की जगह लिखा है 10 पावर ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर इस मीटर की जगह मैं लिखूँ एक तरह से 10 पावर ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये 10 पावर ऑफ 2 सेंटीमीटर मैंने लिखा है सिर्फ 1 मीटर की जगह। तो मीटर की जगह मैंने लिखा है एक तरह से 10 पावर ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए 10 पावर ऑफ 3 वही 10 पावर ऑफ 2 इस मीटर की जगह सेंटीमीटर में आ गया। अब एक सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर्स भी होते हैं 10 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो 1 ये 10 पावर ऑफ 3 अपनी जगह, 10 पावर ऑफ 2 अपनी जगह, लेकिन हमारे पास 1 सेंटीमीटर हमारे पास बराबर है 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ 10 मिलीमीटर। हम मैं सिंपल और डायरेक्टली भी कर सकता हूँ कि हमारे पास 1 मीटर हमारे पास बराबर है 1000 मिलीमीटर, लेकिन ये फिर डायरेक्टली हो जाता। लेकिन यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप यूनिट कन्वर्जेंस की है कि यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर मीटर को सेंटीमीटर में, अब यहाँ पर सेंटीमीटर को मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को जगह मैंने लिखा है 10 पावर ऑफ 1 मिलीमीटर्स, 10 पावर ऑफ 1 मीन 10। सो अगेन अगर आप देख लें मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक यहाँ पर देखिए हमारे पास इनके बेसिस सेम है, यहाँ पर बेस 10 बेस 10 बेस 10, लेकिन पावर को हम ऐड कर सकते हैं रूल्स के मुताबिक। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि 489 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 3 प्लस 2 प्लस 1 मिलीमीटर, ये अब इसको ज़रा और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 489 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, मतलब 6 मिलीमीटर। ये एक तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड है कि कैलकुलेट द आंसर इन मिलीमीटर, द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर इन मिलीमीटर्स, एक तो हमारे पास ये आ गया जो कि हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन इसको ज़रा और भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन को मैं कैसे लिखूंगा, वही फार्मूला मैं यूज़ करूंगा कि हमारे पास n बराबर है m मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ n, मीन इस फार्मूले के तहत मैं ये कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पर n क्या है, n यही नंबर, ये एक नंबर है हमारे पास, इस नंबर के लिए है हमारे पास n क्या है 489। अब इस नंबर को मैं कन्वर्ट करूंगा मेंटीसा मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ समथिंग जो आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर अब ये एक नंबर है 489। अब लास्ट में हमारे पास पॉइंट है, जब हमारे पास हमें एक पॉइंट दिया जाए तो उसका जो पॉइंट हो वो हमारे पास लास्ट में होता है। तो यहाँ पर 489 ये पॉइंट इधर है, तो मैं इस पॉइंट को मूव करता हूँ, और यहाँ पर जब मैं पॉइंट मूव करता हूँ टूवर्ड द लेफ्ट साइड, सो हमारे पास आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ प्लस 2। चूँकि रूल्स के मुताबिक जब हम पॉइंट को मूव करते हैं टूवर्ड द लेफ्ट साइड, अकॉर्डिंग टू अवर लेफ्ट साइड, तो हमारे पास पावर ऑफ 10 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर देखें मैंने पावर ऑफ 10 को पॉजिटिव लिखा है, अब 10 पावर ऑफ 2 पॉइंट के लिए, 10 पावर ऑफ 6 वही, और मिलीमीटर्स अपनी जगह। अब अगेन मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक बेस सेम है, बेस 10 बेस 10, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि 4.89 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 2 प्लस 6 मिलीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ 4.89 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 8 मिलीमीटर। अब ये एक तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है हमारे पास असाइनमेंट 1.5 के लिए, और यही हमारा रिक्वायर्ड भी है जो कि हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसको मैं रिज़ल्ट में लिख सकता हूँ कि हमारे पास रिजल्ट आ गया, रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है रिज़ल्ट में डी को, मतलब डिस्टेंस हमारे पास जो कि हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द 4.89 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 8 मिलीमीटर। अब भी हमारा रिक्वायर्ड है जो कि हमने रिक्वायर्ड में कहा कि कैलकुलेट द आंसर इन मिलीमीटर।